नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं 7 से 8 साल की बेबी के लिए मैं एक कार्डिगन बना रही हूँ जिसका ये बैक पार्ट है। मैंने नीचे डिज़ाइनर फंदे डाले हैं और उसके बाद ये डिज़ाइन डाला है। डिज़ाइन मैंने पहले भी अपलोड कर लिया है, तो डिज़ाइन दो जगह से बनाया जा सकता है। पिछले वीडियो में मैंने इस डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक सिखाया था, ऐसे दो डिज़ाइन बनाना मैंने सिखाया था। इस डिज़ाइन को दो जगह से बनाया जा सकता है, या तो यहाँ जाली से आप बनाइए या फिर हाफ डिज़ाइन से आप बना सकते हैं। तो इसमें मैंने 20 से ही डिज़ाइन डाला है। 9 फंदे का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इसमें मैंने 12 डिज़ाइन डाला है। देखिए, हाफ डिज़ाइन इधर है और दूसरी तरफ हाफ डिज़ाइन, और बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिज़ाइन बीच में है और हाफ हाफ डिज़ाइन दोनों साइड में। इस तरह कुल 12 डिज़ाइन बनाए हैं और इसमें मैंने 14 डिज़ाइन बनाया है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 14 डिज़ाइन बनाया है। ऊपर का जो 4 लाइन हमारा उल्टा उल्टा बनना है उसे मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जब चारों पल्लों को, सॉरी, बैक का, दोनों फ्रंट का और आस्तीन का, जब हम पांचों पल्लों को एक साथ लेंगे तब ये ऊपर वाला डिज़ाइन बनना शुरू होगा। तो ये हमारा बैक पार्ट का कंप्लीट हो गया है और इसका मैंने बाईं तरफ का फ्रंट पार्ट भी बना लिया है। देखिए, इसमें मैंने 1 2 3 4 और ये हाफ 4.5 डिज़ाइन डाला है और 9 फंदे का मैंने बॉर्डर डाला है और इसे भी मैंने 14 डिज़ाइन बना के छोड़ दिया है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 14 डिज़ाइन बना के छोड़ दिया है। और आज मैं इसका सेकंड फ्रंट पार्ट यानी कि दाहिने साइड वाला हिस्सा बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि हम इस डिज़ाइन को कैसे सेट करेंगे। हमें नीचे की तरफ डिज़ाइनर फंदे डालने हैं, इसलिए हम पहले धागे को 4 फोल्ड कर लेंगे और अब सिलाई को ऐसे रखेंगे और एक ऐसे लूप बना के, ध्यान से देखिएगा, ये एक फंदा जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं वैसे एक फंदा बनाएंगे और फिर ऐसे धागे के नीचे ऐसे अंगूठे को लगाएंगे, उंगली में इन धागों को पकड़ेंगे और ऐसे सिलाई के ऊपर चारों धागों को ऐसे रख देंगे। अब जो हमने धागा, ये हमारा सिंगल धागा है, उसको इस नीडल के ऊपर लपेटेंगे और इसे ऐसे हम गिरा देंगे। देखिए, अब इसको हम ऐसे खींच लेंगे। पहले फंदे में थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि सरकने का डर होता है, अब हमें बनाने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए, जैसे हम पहला फंदा नॉर्मली बनाते हैं वैसे लेंगे, फिर उंगली में इन धागों को पकड़ेंगे, अंगूठे को इसके नीचे लगाएंगे, ऐसे ऊपर चढ़ाएंगे और सिंगल धागे को सिलाई के ऊपर ऐसे लपेटेंगे और इसे ऐसे उल्टा कर देंगे। डिज़ाइनर फंदे दो दो के पेयर में बनते हैं। एक बार नॉर्मल बनाया, दूसरी बार थ्रेड को ऐसे पकड़ा, अंगूठे को नीचे लगाया और चारों धागों को सिलाई के ऊपर रखेंगे, सिंगल धागे को सिलाई में लपेटेंगे और फिर ऐसे इसको पलट देंगे। खींच लिया, फिर से देखिए, जैसे हम नॉर्मली धागे को फंदे डालते हैं पहला फंदा वैसा ही रहेगा, दूसरा फंदा देखिए इस तरह। बहुत ज़्यादा टाइट मत करिएगा। टोटल हमें 50 फंदे डालने हैं डिज़ाइन के लिए। 41 फंदे, 4.5 डिज़ाइन हम बनाएंगे तो उसके लिए 41 फंदे 9 के मल्टीपल और 5 फंदे अधिक। 9 के मल्टीपल 4 डिज़ाइन के लिए 36 फंदे और 5 फंदे इस एक्स्ट्रा आधे डिज़ाइन के लिए 5 फंदे और 9 फंदा हमारा बॉर्डर का रहेगा। तो टोटल 50 फंदे हम डालेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 50 फंदे डाल दिए। चूँकि पेयर में फंदे होते हैं तो हम 25 फंदे डालेंगे, 25 जोड़े डालेंगे तो 50 हो जाएगा। 5, 10, 15, 20 और 25 जोड़े हैं, यानी 50 फंदे। 9 नंबर की सिलाई पे ही पूरी स्वेटर बनाई जाएगी और मैंने 9 नंबर की सिलाई पे ही फंदे डाले हैं। हमें इसका अपोजिट बनाना है, तो पहले तो हम 4 लाइन उल्टा उल्टा बुनेंगे, यानी सामने से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा 4 लाइन हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। उसके बाद हम डिज़ाइन को सेट करेंगे। तो 4 लाइन मैं बुन लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 लाइन कंप्लीट कर लिया। देखिए, 2 उल्टे फंदों की धारियाँ आई हैं। अब हमें इसका अपोजिट बनाना है, तो पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के फंदे, चूँकि हम 9 नंबर की सिलाई से बुन रहे हैं, तो बॉर्डर के फंदे हम थोड़ा टाइट बुनेंगे, वरना बॉर्डर लटक जाएगा, क्योंकि हम एक भी लाइन स्किप नहीं करेंगे, तो बॉर्डर लटक जाएगा। तो हमें बॉर्डर के फंदे बुनते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हम थोड़ा सा टाइट बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे का हमारा बॉर्डर रहेगा। हमने 9 फंदे बुन लिए। अब उन दूसरी ओर करेंगे और एक फंदा सीधा। अब उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा ऐसे जाली देते हुए सीधा बुनेंगे। अगले फंदे को ऐसा सीधा करेंगे, नेक्स्ट फंदे को लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया। फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले में, फिर दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदा सीधा, फिर उनको अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। तो देखिए, बॉर्डर के बाद एक फंदा छोड़कर इन्हीं 9 फंदों को हमें दोहराना है। बॉर्डर के 9 फंदे और एक फंदा जो सीधा गया है, इसे छोड़कर इन्हीं 9 फंदों को, 3, 3, 6 और 9, तीन इन्हीं 9 फंदों को हमें दोहराना है। अब उनको अपनी ओर करना है। ये दूसरा डिजाइन हुआ, 2 फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर 2 फंदे को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 का एक, फिर 2 फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए सीधा। दूसरा डिजाइन कंप्लीट हुआ, फिर उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर 2 फंदे को एक साथ लेंगे, बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक, फिर 2 फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। यहाँ पे तीसरा डिजाइन कंप्लीट होता है। अब फिर उनको अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से 2 का एक कर लेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे ऐसे फ्रंट लूप से और सीधा बुनते हुए 2 का एक, फिर 2 फंदा सीधा। अब उनको अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उनको अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, और लास्ट के 2 फंदे हैं तो इन दोनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। तो इस तरह हमारा 4.5 डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। हर रॉन्ग साइड में हमें सभी फंदों को उल्टा ही बुनना है। डिज़ाइन सिर्फ सामने की तरफ से डलेगा, उल्टी साइड से सभी फंदे उल्टे। तो सभी फंदे मैंने उल्टे बुन लिए। अब लास्ट के ये 10 फंदे बचे हैं, तो इन्हें हम थोड़ा सा ऐसे टाइट बुनेंगे, क्योंकि बॉर्डर के फंदे हमें टाइट बुनने हैं। तो हर लाइन में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बॉर्डर के फंदे हम थोड़ा सा टाइट बुनेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो 9 फंदों को हमें, बॉर्डर के 9 फंदों को हमें उल्टा बुनना है। बॉर्डर के 9 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब उन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा। अब उन अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो
दो फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हमने दो का एक किया। नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे, ऐसे फ्रंट लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। तो ये हमारा नौ फंदे का ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इन्हीं नौ फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन अपनी ओर तो फंदा सीधा, दो फंदे को एक साथ लेके बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे फ्रंट लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। नेक्स्ट डिजाइन उन अपनी ओर दो फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर दो का एक करेंगे, एक फंदा यहाँ बढ़ रहा है और एक फंदा यहाँ घट रहा है, यानी जितने फंदे हैं वापस उतने फंदे हो जा रहे हैं। हाफ डिज़ाइन हुआ। फिर यहाँ पे दो फंदे एक साथ लेंगे, दो का एक करेंगे, एक फंदा यहाँ घटा, फिर दो फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर और अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। यहाँ पे एक फंदा बढ़ रहा है, यहाँ पे एक फंदा घटा और यहाँ पे एक फंदा बढ़ा, यानी डिज़ाइन बैलेंस हो गया। तो हमारा तीसरा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। उन अपनी ओर दो फंदा सीधा, जाली देते हुए दो फंदा सीधा, दो फंदों को एक साथ लेंगे बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदा सीधा उन अपनी ओर, फिर जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर एक फंदा सीधा, लास्ट में दो फंदे हैं इन दोनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। फिर हम सामने की तरफ हैं, नौ फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। अब बॉर्डर के नौ फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, थोड़ा सा टाइट बुनते हुए। उन दूसरी ओर अगला फंदा सीधा, फिर हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। जाली देते हुए दो फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक, फिर दो फंदों को लेंगे दो का एक करेंगे, फिर दो फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। नौ फंदे का और दो लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। इसको हमने तीन बार बुना है, यानी कि देखिए छह लाइन ये बुन लिया है। तो ये छह लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, छह लाइन का हमने डिज़ाइन बना लिया। देखिए तीन जाली ये पड़ा हुआ है, एक दो तीन, तो छह लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें चार लाइन उल्टा उल्टा बुनना है, दोनों तरफ से उल्टा, सामने की तरफ से भी उल्टा और पीछे की तरफ से भी उल्टा। तो चार लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे के ये दो उल्टी धारी जो है वो बेस लाइन है और यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होता है। ये तीन जाली और ये दो उल्टे फंदों की धारी, ये 10 लाइन हमारा डिज़ाइन है। तो इन्हीं 10 लाइन को हम 14 बार रिपीट करेंगे, इन्हीं 10 लाइन को हम 14 बार रिपीट करेंगे। तो 14 बार रिपीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। एक बात मैं और बता दूँ, इन दो लाइनों को छोड़कर, इन दो लाइनों को छोड़कर ये बेस लाइन है। इसके बाद हम 15 लाइन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो हर 15वीं लाइन में हम बटन होल बनाएंगे। बटन होल बनाने का तरीका मैं बता दूं, देखिए 9 फंदे का ये बॉर्डर है, तो हम 4 फंदा बुन लेंगे, 1 2 3 4, फिर ऊन को ऐसे चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक जाली बन जाएगा और यहाँ पे एक फंदा घट भी गया, यानी फंदे हमारे न घटे हैं न बढ़े हैं, लेकिन जाली बन जाने से हमारा बटन इसमें से पास हो जाएगा और बाकी फंदे हम उल्टा बुन लेंगे बॉर्डर वाले। अब अगर हमें ऐसे बुनना हो, देखिए तो
इसको देखिए ऐसे उल्टा जब हम बुनेंगे तो यहाँ पे देखिए एक होल बन गया जिससे बटन जिसमें बटन चला जाएगा। और यदि हमें बड़ा बटन बनाना हो तो क्या करेंगे, देखिए मैं बता रही हूँ, यदि हमें बड़ा बटन लगाना हो तो क्या करेंगे, तो चार फंदे हमने बुन लिया है और हमें बटन थोड़ा बड़ा लगाना है तो क्या करेंगे, देखिए एक बार लपेटा और एक बार और लपेट लेंगे, ये दो बार लपेटने से होल बड़ा हो जाएगा। और फिर जैसे हम बना रहे थे वैसे ही दो फंदे को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक, फिर जो बॉर्डर के फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। और अब मैं यहीं से मुड़ के आपको दिखाती हूँ कि बटन होल कैसे बनेगा। अब देखिए हमें बॉर्डर दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही बुनना है। अब देखिए ये हमने बुना और इसको ऐसे खोल देंगे, फिर शेष फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए हमारा बटन होल बड़ा बन गया। तो इस तरह हमें अपना बटन होल बनाना है, हर 15वीं लाइन पे हम बटन होल बनाएंगे। तो मैं 14 डिज़ाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने 14 डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा सामने का पोर्शन भी इतना कंप्लीट हो गया है। अब हमें आस्तीन बनाना है और फिर इन पांचों पोर्शन को एक साथ अटैच करके ऊपर का पार्ट बनाना है। तो अब शेष अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।